एमएलसी चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन पूर्णिया निर्वाचन क्षेत्र से राजद उम्मीदवार हाजी अब्दुस सुभान ने नॉमिनेशन किया। नामांकन करने से पूर्व सभा का आयोजन किया गया जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने अपने उम्मीदवार के पक्ष में वोट मांगा। सरकार के जो भी निर्णय होते रहे, चाहे केंद्र सरकार का हो या बिहार सरकार का, सारे निर्णय और फैसले जो है आरएसएस लेता है। और आप लोग सब लोगों को हम धन्यवाद इसलिए करना चाहते हैं कि आप सब लोगों ने हम लोगों को इतनी बड़ी शक्ति दी, इतनी बड़ी ताकत दी कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बनकर के आया बिहार का। लेकिन जो जनता का जनादेश पूरे बिहार में हमको मिला वो सरकार बनाने का था। 5 सीट हटा दीजिए तो सरकार अनुपत में आ जाएगी, आ सकती केवल 5 सीट का हो जाए। 5 सीट अगर कम हो जाए तो बिहार सरकार जो है गिर जाएगी। तो हम लोगों को तो 12 जगह बेईमानी से जो हम 500,000 2,000 वोट से जीते थे उसको इन लोगों ने 12 वोट 50 वोट 100 वोट 200 वोट से हम लोगों को पोस्टर में हराने का काम किया। आज आपकी सरकार होती, गरीब की सरकार होती और ये एक मौका मिला है आप लोगों को सभी लोगों को, सीमांचल के लोगों को एक मौका है कि जो जनादेश का इन लोगों ने अपमान किया सरकार के मुंह पर तमाचा मारने का एक मौका आप लोगों को मिला। सब लोग सोचे थे कौन होगा उम्मीदवार, कौन होगा प्रत्याशी। अब इतने ईमानदार समाज सेवी जमीन में रहकर के काम करने वाला व्यक्ति को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, ये तो हमारे अभिभावक थे। ये लड़ाई केवल सुभान साहब की, मेरी और आपकी नहीं है बल्कि गरीब और अमीर की लड़ाई है। वहीं राजद उम्मीदवार अब्दुस सुभान ने भी खुद को राजद का सच्चा सिपाही बताते हुए लालू के हाथों को मजबूत करने के लिए वोट की अपील की। आज मैं नामांकन कर रहा हूं पूर्णिया अररिया किशनगंज जिला की पंचायत निकाय में परिषद सदस्य के लिए। और आज हमारे इस नामांकन में हमारे बिहार के प्रतिपक्ष के नेता जनाब तेजस्वी प्रसाद यादव जी भाग लिए और वो अपनी बात कह के चले गए आगे प्रोग्राम में, मधुबनी और अन्य प्रोग्राम में। और बाकी हम लोग अभी कुछ कार्यक्रम जो हमारे नेतागण हमारे प्रतिनिधिगण बाकी हैं वो वोट के निकलेंगे। मैं 1 बजे नामांकन के लिए यहाँ से निकलूंगा और निश्चित रूप से 1 बजे नामांकन। जीत के लिए हम लोग आश्वस्त इसलिए हैं कि इस बार जो जनप्रतिनिधि पंचायत के चुने गए हैं त्रिस्तरीय पंचायत में, तो उसमें हम लोग जो अपने आंकड़े से देख रहे हैं कि 70-80% जो चुने गए हैं वो हमारे सेकुलर लालू यादव तेजस्वी यादव के विचारधारा के लोग हैं। और निश्चित रूप से अगर हम लोगों की मेहनत अगर हुई और वैसे तमाम जनप्रतिनिधि अगर सही वोट अगर सही निर्णय लिए तो निश्चित रूप से हम लोगों की बहुत बड़ी जीत होगी, बहुत बड़ा फासला होगा। अच्छा, मुद्दा क्या रहेगा आपका? मुद्दा देखिए, जनप्रतिनिधि का जनप्रतिनिधि जो जनप्रतिनिधि चुने गए हैं उसके जनप्रतिनिधि का चुनाव है। तो जनप्रतिनिधि बनने के बाद मेरा सबसे पहला मुद्दा होगा, जब मैं चुना जाऊंगा अगर, तो मैं सबसे पहले जो जनप्रतिनिधि के साथ जो आज सम्मान नहीं हो रहा है, हमारे एक वार्ड सदस्य, एक समिति, एक मुखिया, एक जिला परिषद, ये तमाम जो प्रतिनिधि हमारे हैं इनका सम्मान नहीं हो रहा है। सम्मान बहुत तरह से नहीं हो रहा है। एक सम्मान तो ये कि उसको जो मान दे दिया जा रहा है तो वार्ड सदस्य को मात्र 500 रुपया दिया जा रहा है, ये उसके सम्मान के साथ धोखा है, ये अपमान है।
इसलिए मैं उनके लिए ये लड़ाई लड़ूंगा कि कम से कम एक वार्ड सदस्य को 10,000 रुपया मिलना चाहिए और एक मुखिया और समिति और जिला परिषद इन लोगों को भी सम्मानजनक राशि मिलना चाहिए। ये सबसे पहली लड़ाई हमारी यही होगी और उसके बाद जो जन समस्या है क्षेत्र की, नदी कटाव हो या और कई अन्य समस्या हो, वो समस्या निश्चित रूप से तमाम समस्याओं से मैं 40 साल से लड़ता रहा हूँ, मैं आगे भी लड़ता रहूँगा। इस दौरान राजद के कई विधायक और दिग्गज नेता मौजूद रहे। सबने एक ही दावा किया कि राजद यहाँ से जीत रहा है। हालांकि राजद की जीत होती है या हार ये रिजल्ट के बाद ही पता चल सकेगा। पूर्णिया से बोलता बिहार की रिपोर्ट। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें।